अवैध रूप से शराब पिलाने वाले कैंपों, होटल और रिजॉर्ट संचालकों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुनि की रेती के शिवपुरी क्षेत्र में अवैध रूप से शराब पिलाने वाले 25 स्थानों पर छापेमारी की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुनि की रेती पुलिस द्वारा SSP नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर अवैध रूप से शराब पिलाने और परोसने वाले के यहां छापे मारे और तफ्तीश की। थाना मुनि की रेती पुलिस ने शिवपुरी क्षेत्र में रॉयल ग्रीन, मूनलाइट, ब्लू हेवन रिजॉर्ट, ब्लू मून स्टेइंग कैंप, पाम रिजॉर्ट यूनिकॉर्न आदि 25 कैंपों व रिजॉर्ट को चेक किया गया। पुलिस टीम द्वारा ब्लू हेवन कैंप को चेक किया गया तो वहां कैंप संचालक दीपक चौधरी कैंप में अवैध रूप से शराब पिलवा रहा था। एक अन्य कैंप रॉयल ग्रीन को चेक करने पर कैंप संचालक देवेंद्र सिंह द्वारा अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।